जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फाइनल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों, फाइनल मैच। दोनों टीमें दो दो मैच जीती हैं और कल दोनों अपनी सुपर से भी ऊपर की पावर्स के साथ उतरेंगी दोस्तों। UDCRA की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे या फिर स्किप करके देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी टीम आपको नहीं मिल पाएगी, बिकॉज आज ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो में मिलेंगी ना कि आपको किसी और का डाटा क्या कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज UDCRA आज एक एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने 3 से 4 बंदों के कमेंट्स पढ़ के दिखाऊंगा, तो उनके कमेंट्स आज देखते हैं। सबसे पहले कि जो मैंने आज टीम दी थी, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो उनके लिए वो टीम कैसी रही या उन्होंने वो कितनी विनिंग्स की, हम ये चेक करेंगे। तो एक बार सारे कमेंट्स हम ओपन करते हैं फिर रीड करेंगे। तो थैंक्स ब्रो, आज मैच ऑन पर 66 रुपीज़ जीता। ये देखिए, मैं मैच ऑन इसीलिए सुजेस्ट करता हूँ बिकॉज उसमें विनिंग करना आसान है। ये देखिए 66 जीत गए। आई विन हेड टू हेड इन ड्रीम इलेवन। ये देखिए ड्रीम इलेवन, मैं अपनी टीम भी दिखाऊंगा दोस्तों कौन है, नाम भी देखते हैं। ये है एम कुणाल और ये है JP इलेक्ट्रिकल और राजेश हल्दर जी। थैंक्स ब्रो, टुडे आई गॉट 5000 रुपीज़ फॉर यू इन हाला प्ले। ओके, मेरी वजह से ये जीत गए। अर्लियर आई गॉट 2500, तो इन्हें मुबारकबाद देंगे। और राहुल गुप्ता, ये देखते हैं राहुल गुप्ता जी कितने जीते हैं। टुडे आई अगेन वॉन 3000 रुपीज़ एट मैच ऑन। ये देखिए, तभी मैं बार बार कहता हूँ मैच ऑन में कंपटीशन कम है, मेरी टीम के साथ मैच ऑन में जाइए, बिकॉज मैं इतने डीप एनालिसिस के साथ आपको टीम देता हूँ कि आप इजीली जीत जाएंगे। और ये देखिए इनका विड्रॉल। अरे दोस्तों, विड्रॉल में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर सी बात है मुझे अगर विड्रॉ आ रहा है और बाकी यूज़र को विड्रॉ आ रहा है तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सैटरडे या संडे एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा वेरीफिकेशन और विड्रॉल के प्रति, जो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि जो मेरे यूज़र्स को विड्रॉल या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, ताकि उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो सैटरडे संडे का वेट कीजिए, कोई भी एक दिन चूज़ करके मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना वो वीडियो, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। ये देखिए, इस यूज़र को 5000 का विड्रॉल आया है और मुझे भी आया है दोस्तों, मैं विड्रॉल दिखाऊंगा। मैंने पेटीएम में मंगाया था, कल मैंने बैंक में भी मंगाया था, मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे भी विड्रॉल आया है। थैंक्स ब्रो माई टीम। ये देखिए 356 पॉइंट, मेरे भी इतने नहीं आए, मेरे भी 342 या 41 आए हैं शायद, लेकिन एक दो चेंज करके ये मेरे मुझसे भी आगे चला गया। ये थैंक यू, एक दो कमेंट्स और है। थैंक्स ब्रो, आपका टीम आज मुझे सारा लॉस रिकवर हो गया। ये देखिए इनका लॉस रिकवर हो गया। भाई मैंने पहली बार आपकी टीम से खेला और 5000 जीत गया, इन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। अर्पित तोमर और मितुल देसाई जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी टीम आँख बंद करके। ये देखिए, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ, यूज़र आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करते हैं। ये देखिए, ये आर्यन सिन्हा जी कितने जीत गए, 5000 जीता इन हाला प्ले, बस 8 पॉइंट से चूक गया, वरना 75000 इनके जेब में होता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। जो देखिए, ये कमेंट्स बहुत है, बाकी आप खुद चाहे तो खुद रीड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यूज़र्स कह रहे थे कि सर आप मेरा कमेंट दिखाइए, मेरा कमेंट दिखाइए, तो जो जितने जीता उसका कमेंट दिखाना ज़रूरी है। अब मैं अपने खुद का भी दिखाऊँ यार, कि जो मैंने टीम लगाई थी उसका क्या बना। तो आपको पता है ड्रीम इलेवन में मैं एक या दो टीमें लगाता हूँ, तो ये देखिए मैंने सिर्फ दो टीमें लगाई थी, एक टीम मैंने इसमें लगाई थी, एक टीम मैंने इसमें लगाई थी, और वही दो टीमें मैं आपको देता हूँ। सीधी सी बात है, दो में से एक टीम मेरी सुपर्ब चलती है और एक मेरी जितने लगाता हूँ मैं उतने ही देखे जाती है, राइट। तो ये देखिए 83000 बंदा था, UDCRA का रैंक आप खुद देख लीजिए, सिंगल टीम, नॉट 6 टीम, सिर्फ सिंगल टीम दोस्तों, 40 में मुझे 80 रुपये आ गए, यही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। और दूसरा 33 लगाए, 33 ही मुझे मिल गई, यानी ओवरऑल मैं प्रॉफिट में चला गया दोस्तों। और यही दो टीमें मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। अब आप कहेंगे टेलीग्राम चैनल देखना है और टीम भी देखनी है, तो टीम दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये ना लगे कि UDCRA टीम चेंज करते हैं, ये टीम है। और यही अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दिखा देता हूँ, और वही टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है ताकि कल आपको इसी टाइम पे, सॉरी ये टाइम तो नहीं है, जब मैच शुरू होने वाला होगा उससे 15-20 मिनट पहले मैं आपको एक प्राइम टीम दे दूंगा, जैसे ही प्लेइंग 11 वगैरह आएगी। टीम कहाँ पे दी है दोस्तों मैंने, ये देखिए ये टीम है, आप चेक कर लेना, यही टीम है, दूसरी मैंने ये दी थी, इसमें मुझे 33 आ गए थे। ये देखिए ये टीम है, आप चेक कर लेना, सेम टीम सेम है, कोई चेंज नहीं किया था मैंने। और मैच ऑन की भी मैं टीम देता हूँ, मैच ऑन की 6 टीमें दे देता हूँ और एक ना एक टीम वहाँ पर भी अच्छा कर जाती है दोस्तों। अभी बात करेंगे आज के मैच की, कमेंट्स वगैरह तो दिखा दिए, अपना विड्रॉल भी मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा
चलिए फिर, अगर आप कहते हो तो अभी दिखा देता हूँ, एक मिनट का काम है। उसके बाद हम डायरेक्टली अपने प्राइम नोट्स की तरफ चलेंगे दोस्तों, जो इतनी मेहनत करके मैंने अपने माइंड में बनाए हैं। तो जो मुझे ध्यान से सुनेगा सिर्फ उसी का, कहते हैं ना कि एक अच्छा रैंक आएगा कल, जैसे मेरे यूज़र्स का आता है, बिकॉज़ UDCRA को सब ध्यान से सुनते हैं। ये देखिए मैच ऑन स्पोर्ट्स कितना आया मुझे, 4150। जितने का विड्रॉल डालते हैं उतने आएगा। कल मुझे 5000 आया था, उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, 5000 क्रेडिट मैच ऑन स्पोर्ट्स, इन्जॉय करो दोस्तों, आपको भी मिलेगा। अभी डायरेक्टली चलते हैं टीम बनाने। दोस्तों अभी ध्यान से मुझे सुनना, बिकॉज़ अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप फाइनल मैच की अच्छी टीम नहीं बना पाओगे, राइट। सबसे पहले हमें पिच देखनी है दोस्तों, बिनोनी की पिच है ये, और सब देखते सेम ग्राउंड होगा दोस्तों। ध्यान से देखना क्या ग्राउंड सेम वाकई में है या नहीं, राइट। तो कौन सा ग्राउंड है, स्टेडियम है ये, विलोवन मुरे पार्क, और ये तो नाम भी पढ़ना औखा है थोड़ा सा, यहाँ पे चैलेट एंड है ये। अभी पिछला देखते हैं, जो आज का मैच हो, क्या ग्राउंड सेम है दोस्तों। ग्राउंड बिल्कुल सेम है, यानी कि हाई स्कोरिंग मैच दोस्तों, राइट। तो पिछले मैच में पिच कंडीशन पता लग ही जाएगा, कुछ और देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और UDCRA का माइंड आपको देखना है। तो सबसे पहले एक तो प्लेयर हमें मिलती है लीजा ली, राइट, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही हैं ये। एंडी क्लार्क हमें अच्छी रहेंगी यहाँ पे, सुनील लूस ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, जल्दी बैटिंग की इन्होंने जितनी चाहिए थी। त्रोन तो लेट आई थी दोस्तों, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। अभी अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर को तो श्योर है हम साउथ अफ्रीका की लेंगे दोस्तों, राइट। साथ साथ में दोस्तों एक प्राइम टीम बनाते चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हम किस प्लेयर को क्यों ले रहे हैं, राइट। तो चलते हैं दोस्तों प्राइम टीम बनाने। दोस्तों YouTube सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम भी प्राइम टीम आपको, अरे दोस्तों लीग छोटी लगी है, मैंने भी नहीं देखा, बहुत छोटी लीग लगी है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी अपनी 6-6 टीमें लगाते इसमें लगा लीजिए अभी से, नहीं तो ये भर जाएगी रात रात में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें विकेट कीपर चाहिए था, तो विकेट कीपर हमने सिनोलो जफ्ता ले चुके हैं हम। अभी बात करते हैं हम अगले प्लेयर की अपनी। तो एक तो देखिए हमारा यहाँ पे कौन चला है दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चली, तो हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे दोस्तों। हम नीचे के तीन प्लेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेंगे, कौन कौन, मारूफ निदादार और आलिया रियाज। तो एक बार तीनों लेते हैं हम। मारूफ कहाँ पर हैं दोस्तों, मारूफ निदादार और आलिया रियाज, आलिया रियाज तीन हो चुके हैं हमारे। और देखिए दोस्तों और कौन चला है, और कोई भी नहीं चला। और थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये प्लेयर बहुत अच्छी है, अमीन नहीं चली बात अलग है, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से हम अपनी टीम में उन्हें रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी टीम पूरी नहीं हुई तब लीजा ली डेफिनेटली हम लेंगे दोस्तों। एंडी क्लार्क को भी लिया जाएगा, एंडी क्लार्क नहीं, पहले तो लीजा ली को लेना है, तो लीजा ली को लेंगे हम, लीजा ली ले चुके हैं हम। सुने लूस को हमें लेना है, 17 ने इन्होंने भी अच्छा बनाया था। तो कहाँ पे है सुने लूस, ये रहा सुने लूस। वुमेंस के मैच अभी ज़्यादातर मैं ड्रीम 11 पे कम खेलता हूँ, बिकॉज़ उसमें ऑलराउंडर की फैसिलिटी मुझे कम होती है, बिकॉज़ वुमेंस के मैच ऐसे होते हैं कि सारे ही ऑलराउंडर सेक्शन में भरे पड़े होते हैं। तो ड्रीम 11 का रूल अभी तो चेंज नहीं हुआ कि तीन ही ऑलराउंडर ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें मैच ऑन पे खेलना पड़ेगा। एक जो सरप्राइज़ पैकेज रहा ना, वो इसका रहा, फातिमा सना। तो डायरेक्टली हम फातिमा सना को अपनी टीम में ले लेंगे, ये रहा फातिमा सना को हम ले चुके हैं। और किसकी बॉलिंग अच्छी हुई थी दोस्तों, निदादार ने अच्छी बॉलिंग की, बाकी किसी ने भी अच्छी नहीं की दोस्तों, राइट। तो हम किसी को भी नहीं लेंगे, अभी दो प्लेयर हम ले चुके हैं, आलिया रियाज, निदादार और एक फातिमा सना, तीन प्लेयर हमारी टीम में आ चुके हैं पाकिस्तान के। अभी दूसरी टीम की बॉलिंग देखते हैं सबसे पहले, लेकिन ये बैटिंग पिच है तो बैटिंग का भी ध्यान रखना है हमें। एक तो इस्माइल ने अच्छी बॉलिंग की, और किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की दोस्तों।
तो बाकी के दो ऑलराउंडर रहेंगे एंडी क्लार्क और सुनील लूस, बाकी इस्माइल हमारी टीम में रहेंगी, इस्माइल को लेंगे हम, ले लिया। अभी तीन प्लेयर बच चुके हैं दोस्तों, अब वो तीन हमें माइंड से चूज़ करना है, बिकॉज बाकी तो सबकी टीम कॉमन होती है। अगर आप देखेंगे ये आठ प्लेयर आपको सभी टीमों में मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो तीन प्लेयर और कप्तान वाइस कप्तान होते हैं ना, वो UDCRA की चॉइस के आपको रखने होते हैं, तभी आपका इतना अच्छा रैंक आता है, राइट। तो अभी हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन देखने, थोड़ा सा एक तो ऑलराउंडर, एक अंतिम ओवर कौन कौन करता है दोस्तों, ये दो तीन चीज़ें आपको मेन रखती है, तभी आप एक अच्छी टीम तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले अंतिम ओवर्स कौन करता है। अगर फर्स्ट इनिंग होती है तो इस्माइल, सुनील लूस और डैनियल, राइट। डैनियल का ओवर बहुत धुला था, तो मसाबटा क्लास को भी हम ले सकते हैं, देखते हैं खैर क्या बनता है। कैप की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई, जैसी कोई कैप की न्यूज़ आएगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों। तो एंडी क्लार्क को हमने ले चुके हैं, तो अभी नौ प्लेयर हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों ऐप अभी ये छोटा ऐप है, तो इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यही सेम टीम एक बार हम ड्रीम इलेवन पे बनाते हैं, वहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा हमारा। दोस्तों मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज एक प्राइम टीम ना, ये जो आप देख रहे हैं इतना अच्छा रैंक आया है, ये वो टीम है जो टेलीग्राम पे मिली थी आप, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। तो लीजा ली, मारूफ, और हमने किसे को लिया था दोस्तों, दो ही आए हैं, तो नियादार, सुनील लूस, एंडी क्लार्क हो चुके हैं तीन, इस्माइल, आलिया रियाज, फातिमन सना। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू का ऑप्शन मिल चुका है। तो एक तो ओपनर आ गया हमारे पास, एंडी क्लार्क वन डाउन और टू डाउन सुनील लूस, तो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुकी है बैटिंग। अभी दूसरी टीम की बात करें तो ओपनर कोई भी नहीं लिया है, तो एक तो हमें ओपनर चाहिए दोस्तों दोनों में से। तो चेक करते हैं ड्रीम इलेवन के नज़रिए से दोनों में से कौन बेटर प्लेयर है, जवेरिया खान या फिर अमीन। तो जवेरिया खान इनकी तरफ से अच्छी प्लेयर है, तो हम जे खान को लेंगे और दूसरी टीम में भी जे खान को रखेंगे, राइट। अभी चेक करेंगे प्रीव्यू, तो अभी एक ओपनर, एक वन डाउन और एक टू डाउन, तो सबकी दोनों टीमों के बैटिंग हमारे पास अच्छी कवर हो चुकी है। तो अभी हम तीन ऑलराउंडर भी ले चुके हैं, तो अभी हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हमें अच्छे क्रेडिट दे के जाए, बिकॉज इससे बढ़िया टीम मुझे नहीं लगता आपको कोई भी बंदा प्रोवाइड कर सकता है। तो चेक करते हैं और किसका मैच अच्छा रहा इसी ग्राउंड पे। बैटिंग के लिहाज से देखें तो त्रियोन ने अच्छी बैटिंग की, ब्रिट्स नहीं चली, बाकी हम ले चुके हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो किसने चार ओवर किए हैं, चार ओवर सना मीर, लेकिन बहुत धुलाई हुई इनकी, धुलाई तो सबकी हुई है खैर, तो पाकिस्तान का तो लेने का फ़ायदा नहीं है। दूसरी टीम का देखा जाए तो डैनियल को लेने का थोड़ा सा फायदा, मसाबट क्लास को ले सकते हैं हम, इसकी बॉलिंग अच्छी रही थी, या अगर कोई ऑलराउंडर हमें अच्छा लगता है जो बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, तो ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा प्लेयर चाहिए। अभी कौन प्लेयर ऐसा है ऑलराउंडर में जो चार ओवर भी कर रहा है, ड्रीम इलेवन में तो हमें बॉलर लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखें तो सना मीर का बैटिंग ऑर्डर बहुत लेट है, त्रोन मुझे लगता है ओवर कर ही नहीं रही, देखना पड़ेगा, सही बात है वो कर ही नहीं रही। तो एक बार मैच ओपन करते हैं वहाँ पर कौन कौन से ऑलराउंडर मिल रहे हैं हमें, बिकॉज ऑलराउंडर ऐसा होता है ना, अगर 10-12 रन बैटिंग में और एक विकेट ले जाए तो वो अपना काम पूरा कर गया। अगर तो कैप खेलती है तो वो हमारी डिफ़ॉल्ट चॉइस होगी, कल मैं इसका 2-3 घंटे पहले आपको कन्फर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप चैनल ज्वाइन कर लेना। तो बैटिंग का अगर देखा जाए तो रिस्क लेते हैं, एक दो टीम रखेंगे, एक में सिद्रा अमीन को और दूसरी में तजमीन ब्रिट्स को रखेंगे। इस टीम में देखते हैं किसे रखना है हमें, तो हम ड्रीम इलेवन में तो हमें पता है हमें किसे रखना है, जिसकी बैटिंग दोस्तों फर्स्ट आएगी ना, हम उस टीम के बैट्समैन को रखेंगे अपनी टीम में, राइट। अंत तक आपको नहीं पता था कि मैं फर्स्ट वाले को यस कहूँगा या नो कहूँगा, तभी मैंने सस्पेंस क्रिएट किया। ये देखिए, जिस टीम की भी बैटिंग फर्स्ट आएगी ना, उसके प्लेयर को हम रखेंगे अपनी टीम में, राइट। और जिस टीम की बैटिंग सेकेंड आएगी, उस टीम के बॉलर को हम अपनी टीम में रखेंगे, ज़्यादा बॉलर।
अभी ये देखिए, चार ओवर चार ओवर चार ओवर, 12 ओवर राइट, चार ओवर चार ओवर चार ओवर, 12 12 24 ओवर और सारी बैटिंग कवर है। तो अभी के लिए हम रखते हैं अपनी टीम में ब्रिट्स को इस टीम में, राइट। और कप्तान हम किसे बनाएंगे दोस्तों, नियादार और सुनील लूस को, ये हमारे अभी कप्तान और वाइस कप्तान रहेंगे। अभी मैच ऑन पे हम क्या करेंगे, मैच ऑन पे सिद्धरा अमीन के साथ जाएंगे और कप्तान वाइस कप्तान सुनील लूस हमारी कप्तान और वाइस कप्तान नियादार, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर भूपेश, वो कहते हैं कि उन्हें प्रीव्यू देखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये रहा मेरा प्रीव्यू, आप देख सकते हैं मिस्टर भूपेश, ये टीम का प्रीव्यू है आप देख सकते हैं इसमें। और दूसरी टीम की अगर बात की जाए तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप इसका ड्रीम इलेवन का भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ, आप वो भी देख लीजिए, और एक प्राइम टिप मैं आपको दूंगा वो भी आप देख लेना, आ चुका है। तो दोस्तों अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा, जो वुमेंस के मैच है ना, आप मैच ऑन पे खेलिए, सीधी सी बात है, आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है इसमें, 545 वाला मैं ज्वाइन करूँगा। अरे यार कोई आया बड़ा पहले से, रोबी 11, तो ज्वाइन करते हैं इनके साथ, क्रिएट टीम नहीं, ये रोबी 11 को हमने ज्वाइन कर लिया है, तो देखते हैं कौन जीतता है। मुझे लगता है पिछला मैच शायद रोबी 11 मुझसे जीत गए, तो ये लगता है मुझसे भी एक कहते हैं ना कि मेरा सब्सक्राइबर मुझसे ही आगे चल रहा है, तो काफ़ी खुशी भी होती है देख के। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, लीग बहुत छोटी लगी है, सबसे पहले ना आप ये लीग में अपनी 6 टीमें उतार लेना, मैं अभी आपको बस वीडियो देने के बाद इसमें 6 टीमें उतार लूँगा, और UDC आ रहे उसमें से आपको 5 टीमें देंगे, 6 छठी टीम आपको खुद बनानी है, राइट, तो वो आप खुद बना लेना। बाकी अगर किसी की प्रॉब्लम, मैंने कह दिया वेरिफिकेशन या फिर विड्रॉल के मैंने थोड़े से कमेंट पड़े कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो सैटरडे या संडे जिस टाइम मैं फ्री हुआ आपको एक प्राइम एक वीडियो बनाऊंगा वेरिफिकेशन और विड्रॉल पे, या फिर मैं अपने सहायक से किसी से बना दूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ, तो मैं किसी भी अपने सहायक से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।